स्थित कचिगम सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को 8 से 11 महीनों से नहीं मिली है पगार। संघ प्रदेश दमन स्थित कचिगम सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को 8 से 11 महीनों से नहीं मिली है पगार। पगार नहीं मिलने पर 4 जितने सफाई कर्मियों ने मजबूरन नौकरी भी छोड़ दी है। दीव सरकारी अस्पताल, दमन मरवड़ सरकारी अस्पताल के बाद अब कचिगम सरकारी अस्पताल में भी वही समान समस्या आ खड़ी हुई है। कर्मचारियों का सवाल यह है कि अब जब दाभेल, मोटी दमन एवं मरवड़ सरकारी अस्पताल में समय पर पगार मिल रही है तो सिर्फ हमारी ही पगार क्यों नहीं मिल रही है। इस समस्या पर यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल ने कचिगम सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मियों से मुलाकात कर इस समस्या का निवारण करने हेतु उनके कॉन्ट्रैक्टर एवं लेबर ऑफिसर चौहान से फोन पर रजूआत की एवं वहां के इंचार्ज मकवाना से मुलाकात कर इस समस्या का निकाल लाने हेतु रजूआत भी की। कितना महीना से क्या तुम्हारा? 8 महीना चालू। 8 महीने चालू क्या? ये लोग को ले चलना क्या 9 महीने चले। ये लोग को 11 महीने जा पड़े नहीं होता क्या? ये लोग 8 महीने कर रहे हैं। हमारा 11 महीना। 3 महीने 3 महीने खाए के 3 महीने पे पगार आए नहीं। आवे नाइट में आवे। ये दिया कितना महीना से दे दो। हमें 8 लाख इसलिए 4 महीने का सफाई मिलता है। हां 4 महीने में सफाई ने बात ले 4 महीना से निकल गया। हां 4 महीना छोड़ गया पगार नहीं कर रहे थे छोड़ गया ना। मैं उगाई कीजिए तुम मैं बात की डॉक्टर कौन साहब ने उन्होंने आज एक महीना लग गए एमएच के अरे एक एक महीने बाद बाद आप कर बात कीजिए पगार तो आता नहीं बे बे महीने पगार आपे 5-8 लाख पगार तो आप तो जिम ले टाइम पगार तो आपे नहीं मरवन का बनो बदल खाया करे मोटे दमन भी खाया करे जनवरी से कहता छे हमने कि एक महीना लगते अभी एक महीना हुआ क्या तो मैं आवाज क्या कर दूं निकाल लाओ भाई આવને અઠવાડિયામાં કોઈ ભી હિસાબે પગાર મળવા જોઈએ તમને ભી તમાતી ભી પૈયા મહિલા તમાતી ભી કાપી લખ્યા પાછે પછી હા 20 દિવસ ના પછી 1 મહિના ના બધાને કાપી લખ્યા તમાતી અમે આજે 8 મહિના થી રડ્યા 8 મહિના થી રડ્યા અમે લોકો અમાર તો પહેલા થી ચાલતું હતું એ તો પણ અમે કોને કીધું ને કેમ કે આવલે કોને કઈ કહેવાનું પહેલે થી ચાલતું હતું એ અમને આલોક નું મોણા જોઈને અમે કઈ બોલીએ નહીં કોઈને ભી ચાલ આપણે ઘેર જેવા છે એમ કોને અમે કઈ બોલીએ ભી નહીં કોઈને અમને અમને પાછા તમે એવું કઈ લાગે કે પગાર વધારો છો ને આવી રહેજો આવી રહેજો છોડતા નહીં એમ તમને અમને છોડવા ભી નહીં હમ લોગ યહાં પર આયે થે ઇન લેબરો કી ફરિયાદ થી કે ઇનકો 8 મહિને સે લેકે કિસી કો 8 મહિને કા કિસી કો 11 મહિને તક કી સેલરી નહીં મિલી અભી હમ ઇન્ચાર્જ સે મિલે તો વેરી સરપ્રાઈઝ કે યે ટેન્ડર 2 સાલ પહેલે ખતમ હો ચુકા હે પ્રશાસક જી આયે તબ સે ઓર યે પ્રશાસક પ્રફુલ ભાઈ પટેલ બડી બડી બાતે કરતે હે કે મે તો વિકાસ પુરુષ હું और मैं तो दमन दीव की जनता की वो सेवा करने आया हूँ तो ये क्या कौन सी सेवा है आज लोगों को अपने हक और अधिकार के पैसे के लिए अपने खुद के पगार दिन रात काम करने के बाद पसीना बहाने के बाद जो उनकी मजूरी है उसके लिए रास्ते पे उतरना पड़ रहा है मरोड़ हॉस्पिटल में लोग रास्ते पे उतरे दीव में उतरे हाँ फॉरेस्ट में उतरे अभी कचिगम हॉस्पिटल में भी और दो दो साल से टेंडर प्रक्रिया खत्म हो गई है तो प्रशासक जी क्या कर रहे हैं आप प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आए उसके बाद का ही है तो 2 साल खत्म हुआ मतलब तो प्रशासक को अपने जन्मदिन मनाने के लिए नवीन प्रभाकर जैसे लोगों को बुलाकर कलाकारों को बुलाकर लाखों का खर्चा कर सकते हैं तो इन मजबूरों का इन गरीबों का पगार करने में क्या पेट में दर्द होता है और वो चाटुकार और चवन्नी साहब हमारे नेता निकल पड़ते हैं प्रशासक की वाहवाही करने के लिए उन नेताओं को चाटुकारों को चवन्नी साहब नेताओं को चाहिए कि इनके आका को बोले कि इन गरीबों का हक और अधिकार का पैसा दे ये क्या हो रहा है आज इन गरीबों को मजबूरों को इस प्रकार शोषण करेगा यहाँ पर दमन में लेबर ऑफिस है यहाँ पर कलेक्टर सर है लेबर के वो
तो क्या करते हैं? सिर्फ एसी ऑफिस में बैठ के गरीबों पर अत्याचार करने के लिए ऑर्डर निकालने के लिए बैठे हैं कलेक्टर, और लेबर ऑफिस सिर्फ कंपनियों में जाके हफ्ता लेने के लिए बैठी हुई है, और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को तो थोड़ी भी शर्म नहीं है। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अरे बार बार गरीबों को अपने अधिकार के लिए बार बार रोड पे उतरना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। ये भीख नहीं है प्रशासक जी, ये इनका हक है। जय हिंद।